तो सर आजकल के दौर में आपको कौन सा क्रिकेटर जो आप जिसको देखते हैं और आप कहते हैं कि यार दूसरे क्रिकेटर्स को इस जैसा होना चाहिए, ये मॉडल क्रिकेटर है, वो कौन सा क्रिकेटर है आपकी नजर में? देखिए, अगर एज ए क्रिकेटर मैं कहूँ तो मॉडल क्रिकेटर जो है वो सच्ची बात है, मुझे इस वक्त जो सबसे ज्यादा पसंद है वो विराट कोहली है। विराट अच्छा कोहली की जो आप कह लें कि उसकी जो क्रिकेट की एक्चुअल बैटिंग जिस तरह का वो जिस उन्होंने डेवलप की है और जिस तरह वो विदाउट एनी प्रेशर क्रिकेट खेलता है, फिर जो फिटनेस के स्टैंडर्ड उसने सेट किए हैं फॉर हिमसेल्फ कि वो कितना ज्यादा फिटनेस के साथ जाता है, तो मैं अक्सर अभी एकेडमी में भी किसी प्लेयर को कहता हूँ कि भाई जाके यूट्यूब पे जिस तरह कोहली अपनी फिटनेस के उसकी वीडियोस पड़ी हुई है तो वो जरूर आप देखें, कोई इंस्पिरेशन आपको मिले। मुझे लगता है कि वो काफी जो है ना अच्छा एक रोल मॉडल हो सकता है। 70 से प्लस उसने सेंचुरियां की हुई है, टॉप परफॉर्मर है दुनिया का। फिर जो क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट की, तो वो सारी चीजों के लिए वो एक अच्छा रोल मॉडल बन सकता है। इसलिए तो नहीं उसका नाम किंग कोहली रखा हुआ है। जबरदस्त आपने बात की, और वाकई इस वक्त जो है मेरे ख्याल से दूसरे क्रिकेटर स्पेशली जैसे आपने डाइट की बात की, इस लोगों को इन चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं कि एक एथलीट के लिए डाइट और उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फील्ड के अंदर परफॉर्मेंस देना। बहुत ज़बरदस्त बात की और बहुत बारीक बात की आपने। तो सर आपकी अभी जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है हमें और कहाँ हम इम्प्रूव हुए हैं, इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये तो शेर भाई, अब मेरा ख्याल है कि हर जगह पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन अच्छा अभी तक हमें नहीं पता कि हमारे ओपनर कौन है, अभी तक सही हमें नहीं पता कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्या है, ठीक है, कौन सा प्लेयर खेलेगा कौन सा नहीं खेलेगा। मतलब 2-2.5 साल इस जो है ना मैनेजमेंट को हो गए हैं और अभी तक हम टीम नहीं बना पाए। कितने प्लेयर आए खिलाए फिर वो वापस चले गए, तो व्हाई नॉट के क्यों नहीं अभी तक ओपनर, मतलब आपको रिजवान को हम नीचे से ऊपर लेके आके ओपनर बनाना पड़ा। ऑल्दो कि ठीक है वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन एक्चुअल तो वो फिर आपने उसको मतलब ओपनिंग दी, उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, लेकिन वो स्पेशलिस्ट ओपनर तो नहीं है, ठीक है। सही इसी तरह बाबर आजम नीचे से फिर ऊपर आया, तो फिर हमारे ओपनर्स किधर गए जो पूरे पाकिस्तान के जो ओपनर्स खेल रहे हैं। अब टीम में इस वक्त 5 जो इंग्लैंड टीम गई है 5 ओपनर लेके गए हुए हैं, रिजवान बाबर तो हो ही साथ है ही है, फिर उसके बाद जो है वो फखर जमान है, शर्जील है, अब्दुल्ला शफीक है। अभी तक बड़ी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। पहले जो है ना हैदर अली को मिडिल ऑर्डर में लेके आ गए, वो ओपनर था, फिर खुशदिल शाह खेला, आसफ अली खेला, वो हसन हुसैन तलत खेला, वो अब सारे किधर।